with subject English. Yes, children. English में हमने term 2 syllabus start किया था, right? जिसमें हमने complete किया हमारा chapter 8 और chapter 9. Chapter 8 और chapter 9 में आपने सीखा these अने those नो प्रयोगों, right? These कहाँ पे use होता है, those कहाँ पे use होता है, उनके साथ कौन-कौन से helping verbs use होते हैं, ये सब आपने chapter 8 और chapter 9 में सीखा, right? और English के आज के lecture में हम start कर रहे हैं हमारा new chapter, chapter 10, जिसका नाम है prepositions, जिसका नाम है prepositions, PREPOSITIONS, prepositions. इसे क्या कहते हैं हम? Prepositions. Prepositions दो words में से बना है. PRE, PRE, PRE. PRE એટલે પહેલા. અને positions. POSITIONS, positions. અને position. Positions એટલે સ્થાન. Position એટલે સ્થાન. પહેલા સ્થાન. Prepositions ऐसे words हैं जो किसी चीज की स्थान बताता है, ठीक है? मतलब कि वो चीज कहाँ है, वो दर्शाने में prepositions help करते हैं. For example, ये आपको मेरे हाथ में चौक दिख रहा है? Yes. So this chalk is on my hand. मेरे हाथ के ऊपर है, मेरे हाथ में है, right? On my hand. Okay. और अगर यही चौक अगर नीचे होता तो the chalk is under my hand, right? नीचे है मतलब under, ऊपर, on, in मतलब अंदर, in my hand. Okay. तो ये सारे जो words हैं, इसे हम कहते हैं prepositions. इसे हम कहते हैं prepositions. ये noun और pronouns के आगे use होता है. English में अगर आप वाक्य लिखोगे, तो prepositions पहले आते हैं. That means pre इतने पहला. But children, अगर आप गुजराती में वाक्य बना रहे हो, तो prepositions उस noun या pronoun के बाद आते हैं, ठीक है? For example, आप बोल रहे हो गर्मा, तो गर्मी अंदर इतने गर्मा, right? So मा जो है वो हमारा preposition है, तो वो word के बाद use हुआ. वैसे ही अगर आप English में बोलोगे in the house, ठीक है? आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना house in the preposition. अगर आप गुजराती में सीख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? जैसे गर्मा, तो ऐसे अगर उसको translate करो English में, तो house in the नहीं आएगा, in the house आएगा, right? जो preposition है वो sentence के पहले आता है. That means pre इतने पहला, position इतने स्थान, okay? So आज के English के lecture में हम mainly हमारे 4 preposition सीखेंगे, okay? So first preposition है हमारा I and in. I and in. In इतने अंदर. In इतने अंदर. कोई भी चीज दूसरी चीज के अंदर हो, ठीक है? For example, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है? Yes. किसकी पिक्चर दिख रही है? Pencil सी, right? Pencil जो है वो बॉक्स के अंदर है, right children? So क्या वाक्य बनाएंगे हम? The pencils are in the box. क्या वाक्य बनाएंगे? The pencils are in the box, right? तो in इतने अंदर, in इतने अंदर, जो pencils है वो box के अंदर पड़ी है, right? The pencils are in the box. Next example देखिए, yes, आपको क्या दिख रहे हैं? Books, जो books है वो कहाँ है? Cupboard के अंदर पड़े हैं, इतने in, okay? तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? The books are, बहुत सारे books हैं इसलिए are, books are in the cupboard, right? The books are in the cupboard, full stop. In इतने अंदर, books जो हैं वो cupboard के अंदर हैं, right? The next example.
हैं बॉल्स, राइट। जो बॉल्स हैं वो बैग के अंदर है, राइट चिल्ड्रन। सो हम क्या वाक्य बनाएंगे, द VLLS बॉल्स आर इन द बैग, द बॉल्स आर इन द बैग, फुल स्टॉप। आई एन इन, इन इटले अंदर, राइट। जो बॉल्स हैं वो बैग के अंदर पड़े हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, हियर व्हाट यू कैन सी, यस चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, सो द चिल्ड्रन आर इन द क्लास, राइट। जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर बैठे हैं, राइट। तो हम क्या वाक्य बनाएंगे, द चिल्ड्रन आर इन द क्लास, राइट। वो क्लास के अंदर बैठे हैं, सो आई एम इन, इन इटले अंदर। आपको समझ में आ रहा है ना कि हम कौन से सेंटेंस में, आपको कौन से एग्जांपल बता रही हूँ। आई एन इन, इन इज अ प्रीपोजिशन, द चिल्ड्रन आर इन द क्लास, इन इटले अंदर, इन इटले अंदर। चिल्ड्रन लेट मी शो यू वन लाइव एग्जांपल। ये आपको मेरे हाथ में बॉटल दिख रही है, यस, और ये बैग दिख रहा है, राइट। सो मैं बॉटल को बैग के अंदर डाल रही हूँ, द बॉटल इज इन द बैग, द बॉटल इज इन द बैग, राइट। बॉटल जो है वो बैग के अंदर है, इन इटले अंदर। सो नाउ आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ओ एंड ऑन, ओ एंड ऑन, ऑन इटले ऊपर, ऑन इटले ऊपर, कोई चीज किसी के ऊपर पड़ी हो, ओके। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, यस, टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, एक बुक पड़ी है, राइट। जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, सो उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ओ एंड ऑन। सेंटेंस क्या बनाएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, yes, एक रैट की, राइट। सो जो रैट है वो मैट के ऊपर बैठे हैं, राइट। सो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अ रैट इज ऑन अ मैट, द रैट इज ऑन अ मैट, ऑन इटले ऊपर, ऑन इटले ऊपर, जो रैट है वो मैट के ऊपर बैठे हैं, राइट। सो सेंटेंस क्या बनेगा, अ रैट इज ऑन द मैट, ऑन, ऑन इटले ऊपर। कैन यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, यस, जो पॉट है वो बॉक्स के ऊपर पड़ा है, राइट। जो पॉट है वो बॉक्स के ऊपर पड़ा है, सो हमारा सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, अ पॉट इज on the box, the pot is on the box, full stop, o n on, o n on, on इटले ऊपर, जो पॉट है वो बॉक्स के ऊपर पड़ा है, राइट। a pot is on the box, a pot is on the box. Can you see the next picture? Yes. टेबल के ऊपर क्या है, एक ग्लास पड़ा है, राइट। सो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अ ग्लास इज ऑन द टेबल, अ ग्लास इज ऑन द टेबल, राइट। टेबल के ऊपर क्या है, एक ग्लास पड़ा है, ऑन इटले ऊपर, ग्लास जो है वो टेबल के कहाँ पे पड़ा है, ऊपर पड़ा है, राइट। प्रीपोजिशन का मतलब समझाया है, राइट।